मुझे लगता है कि एक वो एक काउंटर है जो कि यहाँ से हमें बढ़िया तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। सो पहला स्टॉक जो रहेगा वो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज रहेगा, और अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूँ तो जिंदल सॉ भी मेरे को काफी पसंद आता है। वहां पे मुझे लगता है एक बार 505 से लेके 530 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जिंदल सॉ दूसरा स्टॉक रहेगा जो कि बढ़िया तेजी में लगता है, थोड़ी गिरावट आए तो खरीदारी करने की सलाह जिंदल सॉ में भी रहेगी। तो केपीआईटी टेक पहला नाम, जहां पर बढ़िया नंबर्स तिमाही में पोस्ट किए थे और अच्छी अपग्रोथ भी आई थी, उस ग्रोथ के बीच में आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं, बाय साइड पे केपीआईटी टेक को चुना। दूसरा है जिंदल सॉ, यहां पर भी नंबर्स और ऑर्डर बुक की सिचुएशन बेटर साइड पर है, तो अगर कोई भी डिक्लाइंस आपको मिलते हैं तो ये दो स्टॉक हैं जिनको आप बेट कर सकते हैं तेज़ी की तरफ। तो जिंदल सॉ और केपीआईटी टेक, जो कि आस्था में हमको पसंद भी है। आज हमारे साथ जो दर्शक मौजूद हैं वो हैं दिल्ली से, वो हैं पुणे से, और वो है पानीपत हरियाणा से भी। तो सबसे पहले हम चलते हैं पुणे। आस्था मैम तो है ही वहाँ पर, साथ ही साथ हमारे लिए दर्शक भी वहाँ पर हैं, विशाखा जी हैं बातचीत जिनसे हम करेंगे। तो विशाखा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ आपको पता है हमारी जो आज के गेस्ट हैं ये भी पुणे में ही हैं। जी हाँ जी, मैं चलिए बढ़िया। रेगुलर ओके, तो विशाखा मैम क्या करते हो आप, कब से हो मार्केट्स में, कैसे ट्रेड करते हो? मैं 2014 से मार्केट से जुड़ी हूँ और फिलहाल हाउसवाइफ हूँ, बट बेसिकली आई एम अ फार्मासिस्ट। मैंने मास्टर ऑफ फार्मेसी किया है और सीएनबी से सुन के और थोड़ा कुछ चार्ट देके इन्वेस्टमेंट करती हूँ। विशाखा मैम, आपका पोर्टफोलियो देख रहा था, इसमें फार्मा तो कहीं नहीं है। आप इंप्लीमेंट नहीं करते क्या वो जो पढ़ा था आपने, कोई अच्छी कंपनी पिक करने में? भी है सर, बट क्वेरी है इसमें की। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 9 साल का जो आप मार्केट में रहो, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपने कोविड भी देख लिया, वो चाइनीज इश्यूज भी देख लिए, वॉर भी देख लिया, कैसा फील होता है मार्केट में? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पैसा घर में आ रहा है, बस ऑप्शन नहीं कर रही हूँ बिकॉज उसमें काफी लॉस कर लिया, बट स्विंग ट्रेडिंग में पैसा घर में आ रहा है। तो अभी आप कैसे ट्रेड करते हो? इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, बीटीएसटी करते हो, लेके भूल जाते हो कुछ समय के लिए, कैसे करते हो इन्वेस्टमेंट? सर कुछ शेयर्स है जो लेके भूल जाते हैं, बाकी स्विंग ट्रेडिंग चलता है, इंट्राडे नहीं करते सर। ओके, लेकिन कैश मार्केट के शेयरों में ही काम करते हो, राइट? मोस्टली कैश मार्केट, कभी कभार ऑप्शन कर लेते हैं अगर लगता है चार्ट में दिखता है कि ये बहुत ऊपर जाने वाला है या कोई न्यूज है तो ही सिर्फ ऑप्शंस में करते हैं। तो ऑप्शंस एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा लर्निंग, बहुत ज़्यादा विजिलेंस इसकी ज़रूरत होती है, वहाँ कैसे करते हो मैनेज? सर चार्ट देख के ही करते हैं, बट मोस्टली घर लेके नहीं जाते, उसी ओके दिन स्क्वायरों के लेते हैं क्योंकि कई बार ज्यादा पोजीशंस लेने से लॉस हो चुका है। ओके, तो विशाखा मैम आज कहाँ फंस गए हो आप, क्या सवाल है आज आपका? पहला क्वेश्चन है रैलिस इंडिया पे, ये 2021 में लिया था, 200 शेयर्स है एंड रेट इज 255। तो मैं पूछना चाहती हूँ ये काफी दिन से वहीं पे है तो क्या करें, इसमें रुक जाए या करें या निकल जाए। तो आस्था मैम, रैलिस इंडिया, असल में रैलिस इंडिया ही नहीं, आप पूरा सेक्टर देख लो, चाहे यूपीएल, पीआई इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल की जितनी कंपनियां हैं, सब में कुछ ना कुछ इशू चल रहे हैं। तो कुछ ऊपर से नीचे आए हैं, कुछ ऑलरेडी साल के लोस काट रहे हैं, सो कैसे रीड करें? एक लार्ज अंडर परफॉर्मेंस तो रही है यहाँ पर, लेकिन इनकी घरदारी से 30-35 रुपये नीचे है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विशाखा मैम होल्ड कर सकते हैं अभी से, तो आप क्या करो, ठीक इसमें क्या करना चाहिए आस्था मैम ने? है कंपनी में, क्योंकि सबसे पहले मार्जिन को लेके और रेवेन्यू ग्रोथ को लेके थोड़ा सा लग रहा था कि वीकनेस रहेगी, क्योंकि जिस तरह से रेनफॉल भी हुई है तो वो भी इतनी अट्रैक्टिव और इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगता है कि वो एक जरूर यहाँ पे दिक्कत बनी हुई थी कंपनी के लिए। और अगर मैं यहाँ पे जो चार्ट्स की भी पोजीशन देख रही हूँ तो चार्ट्स अभी बहुत ज्यादा तेजी में नहीं दिखा रहे हैं, इसमें तेजी लौटेगी 225 के ऊपर, क्योंकि 225 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और ये अगर पार होता है, और पार होने में भी इसका तात्पर्य है कि अगर ये 225 230 के ऊपर ये टिक जाता है कुछ समय तक तो फिर ये तेजी की तरफ अग्रसर होगा, जिसमें कि टारगेट्स फिर रहेंगे इनिशियली 240 और उसके बाद 250 जो कि इनकी कॉस्ट प्राइस के आसपास के हैं। मैम अभी आपको बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन यहाँ पे थोड़ा सा अगर बड़ा लगा सकते हैं तो 204 का लगा लीजिए। तो 204 के स्टॉप लॉस के साथ रैलिस में मैं बने रहने की सलाह दूंगी। 225 का अगर स्तर पार किया तो 240 से 250 के लेवल्स हमें दिखाता हुआ नजर आएगा ये काउंटर। तो 225 पार हुआ तो 240 के जोन से आ सकते हैं, यानी अभी कॉस्ट के आसपास कहीं विशाखा मैम ये वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपसे आगे बात करता हूं विशाखा मैम, हमारे साथ अब सुमन जी मौजूद हैं जो कि पानीपत हरियाणा से मौजूद हैं।
तो सुमन मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सिचुएशन सिनेरियो है पहले तो नॉर्थ की, वहाँ थोड़ा पोल्यूशन भी ज्यादा है, थोड़ी सर्दी भी शुरू हो गई है अभी, क्या हाल है वहाँ का? पोल्यूशन बहुत ज्यादा है सर, और सर्दी मैम? कॉलेज स्कूल कॉलेज, सर्दी इतनी नहीं है अभी, नॉर्मल है। ओके, सर्दी नॉर्मल लेकिन पोल्यूशन ज्यादा है। हाँ जी, स्कूल कॉलेजेस बंद है। तो सुमन मैम आप क्या करते हो, कब से हो मार्केट में, कैसे इन्वेस्ट करते हो? सर मैं हाउसवाइफ हूँ जी। एक्चुअली मैं अभी थोड़े दिन से ही लगी हूँ, पहले मेरे हस्बैंड करते थे मार्केट में। तो उनको देख के आपने एंटर किया? जी सर। तो अच्छा, कैसे एक्सपीरियंस रहा अब तक, उनसे बेटर रहा कि उनसे थोड़ा कमजोर रहा? अभी स्टार्ट किया है बस, अभी सिर्फ एक दो स्टॉक में ही किया है मैंने। तो कैसे आप ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आप शेयर लेके भूल जाते हो, थोड़े समय के लिए होल्ड करते हो? इंट्राडे, अभी तो इंट्राडे कर रही हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इंट्राडे में, कुछ पैसे वगैरह बनते हैं या फिर ज्यादा सरदर्दी ज्यादा रहती है, पैसे कम बनते हैं? सरदर्दी तो बहुत रहती है पैसे अभी कम ही बने तो टेंशन रहती है बहुत ज्यादा। तो सुमन मैम ऐसा होता नहीं आपको कि आप पूरा दिन बाकी घर के काम और परिवार के काम रहते हैं, उसके बीच में समय निकाल लेते हो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में, या भाव निकल जाता है बीच में कभी कभी कुछ काम के बीच में, ऐसा निकल जाता है? हाँ हाँ ऐसे ही होता है मेरे साथ, क्योंकि मेरे को मेरे जो ग्रांड वो हैं फादर इन लॉ मदर इन लॉ, जी? तो उनको देखना पड़ता है, वो डिपेंडेंट है मेरे, तो ओके। उनके साथ मैं कम टाइम दे पाती हूँ, तो तो मेरा निकल जाता है सोचा कई बार नहीं कि ऐसे। ऐसा ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि कुछ समय होल्ड कर लूं तो शायद पैसा आ जाए वापस, या जी जी इंट्राडे उसी बंद के कर लिए। दूं? हाँ जी हाँ जी उसी के लिए मैं पूछना चाह रही थी। तो सुमन मैम कहाँ फंस गए हो अभी आप, क्या सवाल है आज आपका? अभी मैंने कल HDFC बैंक लिए हैं ओके 1483 में, ओके। और अभी तो आप इसको समय दे सकते हो, एटलीस्ट एक दो दिन हाँ ही दोगे जी। आप, राइट? नहीं ओ, मैं यही पूछना चाह रही हूँ, एक दो दिन दूं या लंबे समय के लिए रखूं इसको, मतलब क्या करना चाहिए इसमें? ओके, आस्था मैम क्वालिटी में तो कोई कंसर्न नहीं है पहली चीज़ HDFC बैंक को लेकर, लेकिन 1483 के दाम पे खरीदारी है, और ये इसमें समय एक दो दिन दें या लंबे टाइम के लिए रुकें, क्या करना चाहिए इन्हें? और दूसरा इनकी क्या ये रणनीति भी ठीक है कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग करें कंसीडरिंग टाइम कंस्ट्रेंट, या फिर ये BTST करें, कैसे करना चाहिए इन्हें अपना ट्रेड? जी बिल्कुल, देखिए HDFC बैंक एक ऐसा काउंटर है जिसपे मेरे हिसाब से तो लंबे समय में बने रहेंगे तो ही फायदा होगा। तो और मैम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने इन लॉज को इतने अच्छे से संभाल रहे हैं, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, मार्केट भी यहाँ पे आपको अच्छा ही रिवर्ट करेगा। HDFC बैंक जो है मैम उसको आप लॉन्ग टर्म पे रखिए, और अभी इसमें ट्रेडिंग वगैरह आप करने का नहीं सोचें, क्योंकि ये जो काउंटर है ये ट्रेडिंग के लिए है भी नहीं। फंडामेंटल्स ठीक है, असेट क्वालिटी स्टेबल है, और यहाँ पे बाकी चीजें भी मेरे को ठीक लग रही है HDFC बैंक की, लेकिन परफॉर्म करने के लिए ये थोड़ा समय लेगा मैम, तो आपका ये पेशेंस टेस्ट करेगा, आपको इसमें वेट करना चाहिए। चाहे से तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बड़ा मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से दे रही हूँ काउंटर, तो 1380 का आप लगाइए स्टॉप लॉस, तो 1380 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करिए, और इसमें आपको समय सीमा कम से कम नहीं तो मैम 2 से 3 महीना तो रखना ही पड़ेगा। सो आप आराम से 2 से 3 महीने के हिसाब से इसमें होल्ड करिए, और इसमें जो टारगेट्स फिर हमें देखने को मिलेंगे वो 1550-1560 के पहले रहेंगे, और उसके ऊपर के भी स्तर ही हमें दिखाता हुआ नजर आएगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हो सकता है दायरे में घूमता हुआ नजर आए 1450 से 1530 के बीच में, तो उसका भी आप ध्यान रख लीजिए, लेकिन आप बने रहिए जो भी मैंने स्टॉप लॉस दिया उसके साथ। सुमन मैम एक सवाल मेरा और था आपसे, कि आपने पहला ट्रेड या जो इनिशियल ट्रेड शुरू किए हैं इसी में HDFC बैंक को क्यों चुना, कोई और नाम क्यों नहीं? इसकी न्यूज़ मैं ये जो CNBC आवाज़ देखती हूँ तो काफी अच्छा मतलब रिस्पांस आ रहा था इसके लिए, तो ओके। और मेरे हस्बैंड ने भी यही रेकमेंड किया था, अगर तेरे को स्टार्ट करना था। मैम एक चीज आपने बिल्कुल सही करी कि आपने हमेशा क्वालिटी नाम को ही चुना, तो आपके मैं दोनों शेयर देख रहा था, टाटा पावर और HDFC बैंक, दोनों ही के दोनों क्वालिटी शेयर हैं, तो एटलीस्ट आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए लेकिन क्वालिटी शेयरों में करिए, ताकि अगर कभी फंस भी जाए तो आप होल्ड करके उसमें अपना पैसा निकाल सकते हो, ये सबसे अच्छी चीज आपके हस्बैंड तो अभी। और टाटा पावर में मेरे को करना चाहिए अभी इन्वेस्ट? आस्था मैम टाटा पावर ये इनका दूसरा सवाल है, और वहाँ ये पूछ रहे हैं कि ये निवेश करें कि नहीं। मैम सुमन मैम ये भी आप छोटी अवधि के लिए पूछ रहे हो या लंबी अवधि के लिए? जैसे भी मतलब ओके, अगर छोटी में भी होल्ड कर सकती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं। चलिए, तो आस्था मैम टाटा पावर ये खरीदारी करने की इच्छुक हैं, जहां भी पैसा बने वो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना चाहिए?
देखिए टाटा पावर तो नो डाउट चार्ट्स पे अच्छा ही लग रहा है, थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो बढ़िया खरीदारी के लेवल बनते हैं, यानी कि 248, मतलब 248 से 250 के लेवल के आसपास मिले मैम, तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे, पर थोड़ा सा नीचे आने पे लेंगे तो बेटर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 266 के पहले रहेंगे और उसके बाद फिर 270-275 के भी आएंगे। टाटा पावर अगेन ये भी आपको 2 से 3 महीना रखना है, आप बने रह सकते हैं इसमें, और लिया हुआ है तो और नया लेना हो तो थोड़ा सा और नीचे आता है 248 के आसपास तो वहां खरीदारी करें। तो आप किसी गिरावट में ख़रीदारी करें सुमन मैम, और करीब 266, 270, 275 ये टारगेट्स आपको आस्था मैम दे रही हैं। कल एक फंडामेंटल रिपोर्ट भी आई थी जिन्होंने इसको दिवाली पिक के तौर पे शामिल किया है, 10,600 मेगावाट के आसपास ही कैपेसिटी है कंपनी की, तो एक बड़ी अग्रणी कंपनी है। अगर आप समय देंगे तो ज़्यादा अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन कोई गिरावट में आप ख़रीदारी करें तो 260, 250, 275 ये आपके लिए टारगेट्स आस्था मैम ने रखे हैं। आगे भी आपसे मैं सुमन मैम बातचीत जारी रखूंगा। विशाखा मैम के पास एक सवाल और था, तो विशाखा मैम आइशर मोटर मैंने शायद आपका दूसरा सवाल पढ़ा है, आपके पास ये करीब करीब 3,500 रुपये के दाम पर खरीदारी है, इस पे आप क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ 19 शेयर्स है इसमें और 3,548 के रेट पे है, ये हर बार उसी रेट के आसपास जाके फिर नीचे आ जाता है, तो इसमें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हीरो मोटो और बजाज अभी चल पड़ा है। या आपने ऑटो सेल्स के नंबर के अराउंड खरीदारी की थी इसकी? तो सर ये 6 महीने पहले लिया था। 6 महीने से आप इसको होल्ड कर रहे हो और ये अभी भी 11-12 रुपए के डिफरेंस पे है, हाँ और अभी आप कितना समय इसको और दे सकते हो? इट कैन बी 6-8 months ओके इफ देर इज सम वोटिंग, चल अगर नहीं है तो फिर निकल जाएंगे, फिर कोई और शेयर में निकल चले जाएंगे सर। चलिए, तो आस्था मैम आइशर मोटर ये एक और नाम है जहाँ पर विशाखा मैम की खरीदारी है करीब 3,548 के दाम पर, 11-12 रुपए का डिफरेंस है खाली खरीदारी से, ये समय दे सकती हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए इसमें एक कारण ये है कि ये क्यों नहीं चलता, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन भी जो 250 से लेके 500 cc की स्पेस है वहां पे ज्यादा है इस कंपनी को, और वहां पे भी अगर हम देखें तो हार्डली लिमिट्स और ये सारे जो हैं वहां से भी इनको कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि बजाज ने भी अपना कुछ निकाला, हीरो ने भी, लेकिन फिर भी जिस तरह की ये कंपनी है कोई दिक्कत नहीं है मैम, थोड़ा सा ये एक दायरे में अटक गई है 3175 से लेके 3670 के बीच में, थोड़ा दायरा बड़ा है, लेकिन अगर ये दायरा टूट गया ऊपर में 3640 के लेवल्स के इसने ब्रेक किया तो बहुत अच्छी तेजी आएगी, क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, इनफैक्ट देखा जाए तो जुलाई से ये इसी दायरे में अटका हुआ है, तो जब इतने बड़े दायरे में कोई स्टॉक अटकता है और फिर तेजी में आता है तो उसमें तेजी भी बहुत बड़ी लौटती है, तो आपको बिल्कुल इससे निकलने की जरूरत नहीं है, होल्ड कर लें अपनी पोजिशन को। स्टॉप लॉस मुझे लगता है अगर बड़ा रख सकते हैं तो 3175 का रखें, और छोटा भी रखना है तो 3275, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आप कितने स्टॉप लॉस के साथ कंफर्टेबल है, 3275 का तो मिनिमम आप स्टॉप लॉस रखिए, पोजिशंस को कैरी करिए, 3,650 निकल गया तो फिर ये बढ़िया तेजी में आएगा, तो उस लेवल का जरूर वेट करिए, 3,670 के ऊपर अगर ये गया तो फिर सीधा 3,700 से लेके 3,800 तक के लेवल्स ये आपको दिखाता हुआ नजर आएगा, होल्ड करिए, बने रहिए, निकलने की जरूरत लगती नहीं है। जी, तो अभी तो फिलहाल आप होल्ड करिए, बने रहिए, ये आपको राय विशाखा मैम आस्था मैम ने दी है। सुमन मैम एक और सवाल था मेरा आपसे, आपने एक सवाल पूछा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा शेयर बेहतर है। हाँ जी मैम आप हाफ ऑफ द डे पे निकल चुके हो, 12:30-1 बज रहा है, अगर आप अभी इंट्राडे ट्रेड करोगे तो आपके पास स्कोप कितना बचेगा, 2 से 2.5 मिनट, 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे, 3.5 घंटे के आसपास, और हाँ जी हाँ जी, आपको लगता है कि इस ड्यूरेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है? मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। तो सुमन मैम आमतौर पे ट्रेडिंग की शुरुआत एक दिन पहले से होती है, आज आप पढ़ोगे कल के हाँ बारे में जी क्या क्या करना है और उसके बाद आप उसकी रणनीति बनाओगे, लेकिन फिर भी कोई हाँ जी ट्रेड अगर दिमाग में होगा तो आस्था मैम आपको बता देंगी। आस्था मैम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक आपके जहन में आ रहा है क्या? देखिए मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा कम विश्वास रखती हूँ, इसलिए उस हिसाब से तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगी कि आप करिए कोई भी स्टॉक, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जैसा मैंने पहले भी बोला केपीआईटी टेक्नोलॉजीज मुझे अच्छा लगता है मैम, वहां पे आप एक बार नजर बना लीजिए, वो आपको अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, सो लॉन्ग टर्म के लिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में मैं एंटर करने की सलाह दूंगी, थोड़ा सा और टूटता है तो इसमें आ जाइए आप बाइंग पोजिशन में, टारगेट इसमें रखा जा सकता है इनिशियली 1400। तो 1400 के आसपास के टारगेट्स के लिए आप अगर मीडियम टर्म चाहते हो तो केपीआईटी एक नाम जो कि पहले भी आसाम में सुझा चुकी हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सुमन मैम आपका भी और विशाखा मैम आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज अपने सवाल पूछने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए. आप दोनों को, आपके परिवारों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आस्था मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और आपको भी और आपकी टीम, आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं.